फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? हमारे पास जो वर्ड है इक्विवेलेंट, उससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि हम कुछ ना इक्वल फ्रैक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यस, इक्विवेलेंट से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि हम कुछ इक्वल फ्रैक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यस, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं, कोई भी टू या टू से ज्यादा वाली जो फ्रैक्शंस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं सेम अमाउंट को। यस, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो मेरे पास ना टू स्क्वायर्स है, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया है, एक को मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है एंड एक को मैंने फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यस, अगर मैं क्या कहते हैं, जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है उसमें मैं हाफ पार्ट को शेड कर रही हूँ और इसमें मैं टू पार्ट को शेड कर रही हूँ, तो अगर आप इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? तो ये हमारी इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/2 एंड इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी 2/4। यस, देखिए जो हमारी फ्रैक्शंस आ रही हैं वो तो डिफरेंट आ रही हैं, 1/2 एंड 2/4, बट वो रिप्रेजेंट जो कर रही है वो सेम अमाउंट कर रही है। मींस ये स्क्वायर था, उसको मैंने क्या किया, इसका हाफ पार्ट में तो हमने कलर किया है और ये भी हमारे पास एक स्क्वायर था, हमने इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट जो हमने कलर किया है वो भी इसके हाफ पार्ट में तो किया है। Yes, तो equivalent fractions, yes, equivalent fractions, two or more fractions that represent same amount of fraction. Yes, देखिए अब हम सीखते हैं हम equivalent fraction कैसे find out करते हैं। Suppose करो मेरे पास एक fraction है 2/4। अब क्या कहा है मैंने, इसमें हमें इसकी equivalent fraction find out करनी है। Yes, तो हमें equivalent fraction को find out करने के लिए हम सबसे क्या करते हैं, या तो हम numerator and denominator में किस same number से multiply करते हैं या फिर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। ये तो हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं मल्टीप्लाई के थ्रू। तो हमने क्या किया, 2/4 लिखा, देन हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की 2 से एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या है, 4/8। यस, तो 2/4 की जो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई है वो क्या आई है, 4/8 आई है। अगर हमें एक और फ्रैक्शन इसकी फाइंड आउट करनी है तो हम अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2/4 को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 एंड 4 3 12। यस, 2/4 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आई है, 4/8 एंड एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आई है, 6/12। यस, अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं थ्रू डिविजन मेथड। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 8/16। यस, अब मुझे क्या करना है, इसका डिविजन के थ्रू हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 8/16 को हम सेम नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम सपोज करो हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से हम दोनों को डिवाइड करते हैं। अगर हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 4 एंड 16 को डिवाइड करेंगे 8। यस, तो क्या हुआ, हमारे पास 8/16 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 4/8। यस, अगर हम दूसरे निकालते हैं तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 8/16 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया, यहाँ पे आ गया 2 एंड यहाँ पे क्या आ गया 4। तो अब अगर हमें 8/16 की डिवीजन मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है तो एक फ्रैक्शन आएगी हमारे पास 4/8 एंड सेकंड इज 2/4। यस, अब हम चेक करते हैं, हमारे पास कोई भी दो फ्रैक्शंस गिवन है, उनको हमें चेक करना है कि वो दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास एक फ्रैक्शन है 4/8 एंड दूसरी फ्रैक्शन है 2/4। अब मेरे को क्या बताना है, ये जो दोनों फ्रैक्शन है मेरे पास वो मेरे को बताना है कि वो आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास क्या होता है, जो न्यूमरेटर 1, हमारे पास दो फ्रैक्शन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1 एंड न्यूमरेटर 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2। यस, हमारे पास एक फ्रैक्शन ये हो गई एंड एक फ्रैक्शन ये हो गई। अब अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, अगर कोई भी दो आपस में फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होंगी तो उसका फॉर्मूला उन फ्रैक्शंस को ये फॉर्मूला ना सेटिस्फाई करेगा। इसका फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 2 इक्वल्स टू डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 2। ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास चेक करने के लिए होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस, तो अब हम चेक करते हैं। यस, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 4 16 इक्वल्स टू 8 2 16। यस, ये क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, दोनों में आपस में हमारे पास क्या आ गया, 16 इक्वल्स टू 16। मीन्स ये जो फ्रैक्शन है आपकी 4/8 एंड 2/4, ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है। इसी फॉर्मूले से हम आगे के और एग्जांपल्स कर सकते हैं।
numerator 1 multiplied by denominator 2 and denominator 1 multiplied by numerator 2. Yes. Thank you. Have a nice day.